मैं हूं रेणु कैलाश। बुलेटिन की शुरुआत किन्नौर हादसे से कर रहे हैं, जहां मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ गया है। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मलबे से 15 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो अब तक 15 लोगों के शव मिले हैं। आपको बता दें कि किन्नौर में यह हादसा हुआ था, जहां पर एक बस पर पहाड़ी का मलबा गिर गया, जिसमें 30 से 35 यात्री उस बस में सवार थे। हिमाचल परिवहन निगम की यह बस, और उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम को भी तभी से अलर्ट पर रखा गया, और आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हालांकि बीच बीच में मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी रुकावटें जरूर आईं। हालांकि दुखद बात यह है कि अब तक 15 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अब तक 15 लोगों की मौत इस पूरे दुखद हादसे में हो चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील परमार जुड़ गए हैं। सुनील, विस्तार से जानकारी दें, मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है किन्नौर हादसे में। निश्चित तौर पर उन्होंने बताना चाहूंगा कि आज भी सुबह जब 5:30 बजे जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, उसके बाद एक घंटे बाद ही दोबारा से जो है वो पहाड़ी से चट्टान और शुरू हुआ, जिसके चलते फिर दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं ना कहीं रोकना पड़ा। राहत कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि बात की जाए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कल जहाँ एक और हवाई सर्वेक्षण कर ताजा स्थिति की जानकारी ली, वहीं जो है सड़क मार्ग के द्वारा जो है वो घटनास्थल पर पहुंचकर जो वहां पे अधिकारी थे, जो वहां पे एनडीआरएफ की टीम थी और आईटीबीपी सेना पुलिस, इन तमाम अधिकारियों से बात कर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को तीव्र गति से चलाने का अनुरोध किया। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पहले ही तीव्र गति से चल रहा है, लेकिन जिस तरह से आपदिक आपदा के चलते जो वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जिस तरह से रुक रुक कर चट्टानें ऊपर से नीचे आ रही हैं और बड़े पत्थर आ रहे हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है, समय लग रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आज भी यदि बात की जाए तो आज भी वहां पे दो मृतक लाशें निकाली गई हैं, पहचानना बड़ा कठिन हो रहा है। उन्हें अस्पताल भेजा गया, डीएनए टेस्ट के माध्यम से जो है उनकी जो है शिनाख्त की जा रही है, ताकि परिजनों को उन्हें सौंपा जा सके, क्योंकि इतना भयानक हादसा ये हुआ है। और रेणु, में ये बताना चाहूंगा कि इस सीजन का ये दूसरा हादसा है प्राकृतिक आपदा के चलते, क्योंकि इससे पहले भी जो है इसी तरह से किन्नौर में पत्थर गिरने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई थी। और वही अब जो बात की जाए इस बार की, तो इस बार भी काफी बड़ी त्रासदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए है। पूरा हिमाचल प्रदेश पूरा गमगीन माहौल में है। और वहीं की बात यह है, केंद्र की ओर से भी हर वरिष्ठ नेता, चाहे वो बात की जाए राष्ट्रपति की या फिर प्रधानमंत्री की या फिर गृह मंत्री की, तो ये तमाम जो है इन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और वहीं यदि बात की जाए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल दौरा किया, उसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा 4 लाख की जो मृतकों के लिए राहत राशि, फौरी राहत राशि जो है वो देने की घोषणा की है। और वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से भी 1 लाख देने की बात की गई है। और बात की जाए केंद्र की तरफ से भी जो मदद जो है वो 2 लाख रुपए की देने की बात की गई है। और केंद्र की ओर से नरेंद्र मोदी ने हर संभव जो है सहायता देने के लिए कहा कि जो घायल है उन्हें भी जो है 50,000 की राहत राशि दी जाएगी, और जितने भी उनका इलाज का खर्च है वो सरकार वहन करेगी। और निश्चित तौर पे एक काफी बड़ी त्रासदी है, और युद्ध स्तर पे जो है वो कार्य इस समय चला हुआ है। जी रेणु, चलिए सुनील, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी सुनील परमार विस्तार से ये जानकारी दे रहे थे। पहाड़ी से चट्टान गिरने के चलते आपको बता दें कि यह हादसा हुआ था, 500 मीटर नीचे बस का मलबा मिला है। हालांकि बचाव राहत कार्य में थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर पेश आ रही हैं, इसके बावजूद प्रशासनिक अमला वहाँ पर डटा हुआ है।